हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये पार्ट थ्री आपका मोर कॉन्सेप्ट का, ठीक है। पार्ट वन में हमने जाना था कि मैटर और नॉन मैटर क्या होता है और उसके एग्जांपल। पार्ट टू में हमने जाना था कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या है एंड टाइप्स ऑफ मैटर के भी टाइप्स क्या है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम स्टेट्स ऑफ मैटर की, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर की, किसको क्लासिफाई तीन तरह से किया गया है, तीन भाग होते हैं। पहला आपका गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, दूसरा आपका लिक्विड स्टेट, और लास्ट है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं। पहला आपका गैसियस स्टेट, दूसरा आपका लिक्विड स्टेट, और तीसरा आपका सॉलिड स्टेट। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ दे गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, तो आप क्या कहिएगा? देखिए, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये उसका मॉलिक्यूल्स हो गया। देखिए, इसमें जो पार्टिकल्स है उसकी जो डिफरेंस यानी कि दूरी है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से इसमें फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं नो फोर्स एक्ट बिटवीन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब बात करें हम लिक्विड स्टेट की, तब यो यहां पर लिक्विड स्टेट, इसका जो पार्टिकल्स है उसमें जो गैप होता है वो कंपेयर टू गैसियस स्टेट्स कम होता है, जिसके वजह से फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। इसमें होगा फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बात करें हम सॉलिड स्टेट की, इसमें क्या होता है कंपेयर टू गैसियस और लिक्विड स्टेट, इसमें हाई फोर्स एक्ट करता है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। ठीक है, हाई फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हमने क्या देखा, गैसियस स्टेट्स में नो फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी फोर्स नहीं लगता है, और लिक्विड स्टेट में फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसमें फोर्स लगता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के। और सॉलिड स्टेट में हाई फोर्स एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में बहुत ही ज्यादा फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपके इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। Effects of physical
क्या इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए इफेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल का रोल होता है, तो देखिए उस वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल है। देखिए इस देखिए किसी भी इफेक्ट को इफेक्ट्स को दिखाने के लिए डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल का रोल होता है। तो चलिए देखते हैं उन वेरिएबल कौन कौन से हैं। पहला आपका मास, दूसरा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तीसरी की बात करें तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम, चौथा बात करें तो आपका हो जाएगा डेंसिटी, पांचवा का बात करें तो आपका हो जाएगा प्रेशर, और छठा का बात करें वो हो जाएगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, कुछ वेरिएबल है जिसको इफेक्ट डिफाइन करने के लिए काम आते हैं, कौन कौन से। पहला आपका मास, दूसरा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, तीसरा है आपका वॉल्यूम, चौथा है आपका डेंसिटी, पांचवा है आपका प्रेशर, और छठा है आपका टेम्परेचर। तो आज के इस वीडियो में हम मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है जानना, ठीक है। तो चलिए मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये हो गया आपका मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए देखते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट या डजंट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, ठीक है। हमने कहा क्या, मास ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। कैसे, मान लीजिए हमारे पास 12 ग्राम H2O वेपर के रूप में मौजूद है, उसको हम ठंडा कर रहे हैं तो क्या होगा, 12 ग्राम H2O लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको और फर्दर कूलिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम H2O किस में रूप हो जाएगा, आइस में, तो सॉलिड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस मास ऑफ अ सब्सटेंस डजंट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। जैसे कि 12 ग्राम ऑफ H2O को हम वॉल्यूम, अगर 12 ग्राम H2O को वेपर में था, अगर उसको हम ठंडा किए तो 12 ग्राम H2O लिक्विड में बन गया, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर कूलिंग किए तो 12 ग्राम H2O सॉलिड बन गया। इसका मतलब ये है कि मास स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करें हम यूनिट ऑफ मास की, यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। देखिए यूनिट्स ऑफ मास यानी कि 1 kg 1000 ग्राम, यानी कि ग्राम और केजी यूनिट्स ऑफ मास है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं,
देखिए अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, कैसे देखते हैं। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन अ फिजिकल स्टेट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन अ फिजिकल स्टेट, एग्जांपल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस बड़ा होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बड़ा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसको आप नीचे गिरा देते हैं तो जो वाटर होगा वो थोड़ी देर फैलेगा, यानी थोड़ी जगह के लिए यहां से वहां तक, ठीक है। अब बात करें हम वॉल्यूम ऑफ गैस की, अगर आप उसको स्प्रे बना के स्प्रे में से छिड़काव करेंगे तो पूरे हमारे रूम तक उसका जो मॉलिक्यूल्स है पहुंच जाएगा। वही बात करें हम सॉलिड की, मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, इसको हम एक जगह रखेंगे तो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, वही वही के वही रहेगा, ठीक है। इसी के लिए कह रहे हैं, अब बात करें डेंसिटी की, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, देखिए डेंसिटी कैसे निकलता है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, देखिए डेंसिटी को निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ अ सब्सटेंस इंडिपेंडेंट है फिजिकल स्टेट पे, इन डिपेंडेंट अपॉन फिजिकल स्टेट, वही बात करें हम वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट अपॉन फिजिकल स्टेट, ठीक है। हमने कहा क्या, मास ऑफ अ सब्सटेंस इंडिपेंडेंट होता है फिजिकल स्टेट पे, हमने पीछे देख चुका है, और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंडेंट अपॉन अ फिजिकल, इसको भी हमने कुछ समय पहले देखा है। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू कह रहा हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि अगर इसका डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस अगर मैक्सिमम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मान लीजिए आपका चार है तो ये आपका दो हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एग्जांपल की, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए आप एक बैलून में हवा भरते हैं तो दबेगा ना,
वही हम एक बैलून में लिक्विड भरते हैं वो तो कम दबेगा, उसी को बैलून में हम अगर सॉलिड भर रहे हो वो तो दबेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। आपको समझ में आ गया, तो हो गया दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी चीजें हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।